भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ सबसे अधिक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के राजा हैं और ये काशी नगरी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। और ये माना भी जाता है कि धरती पर जब भी प्रलय आती है, तब काशी को भगवान शिव जी अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और यहाँ पर जल प्रलय नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि समुद्र तल से ये स्थल काफ़ी ऊंचाई पर है। समुद्र में कितना भी जल स्तर बढ़ जाने पर जल यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसी कारण इसके प्रलय में डूब जाने की संभावना भी नहीं है। मित्रों, भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग वर्तमान में बहुत अधिक चर्चा में है और चर्चा का कारण है भगवान शिव के प्रांगण में स्थित ज्ञानवापी कुएं का। ये ज्ञानवापी कुआं अभी का नहीं है, ये तो तब का है जब धरती पर भागीरथ जी द्वारा गंगा जी भी नहीं लाई गई थी। उस समय भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना इस ज्ञानवापी कुएं के जल से ही की जाती थी। वापी का अर्थ होता है कुआ अथवा बावड़ी, जल का एक सोर्स जिसको वापी कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जो भी मनुष्य इस कुएं से पानी निकालकर भगवान शिव का अभिषेक करता है, भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करने के बाद जो इस जल को ग्रहण करता है, वो मनुष्य मुक्ति का भागी बन जाता है और उसे मुक्ति के लिए कोई दूसरा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया, एक के बाद एक शासक बदलते गए। अब आया मुगल काल। मुगल काल में औरंगजेब अत्यंत क्रूर शासक थे। जहां जहां भी भगवान के दिव्य मंदिर और उनके ज्योतिर्लिंग थे, औरंगजेब ने तोड़वा दिए और उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी। ये वैर भावना यहीं तक ही नहीं रुकी। अयोध्या, मथुरा और काशी ऐसे न जाने उत्तर भारत के कितने मंदिर मुगलों के द्वारा तोड़े गए और उन पर जानबूझकर मस्जिदें बनवा दी गईं। लेकिन मित्रों, 355 साल बाद एक ऐसा प्रमाण मिला है जिससे ये पुष्टि भी प्राप्त हुई है कि जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, बहुत वर्ष पहले वहाँ भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था और उसी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर इन क्रूर शासकों द्वारा मस्जिद बनवा दी गई। वर्तमान में बनारस में ही विश्वनाथ जी के मंदिर के पास जहां ज्ञानवापी मस्जिद है, उसी मंदिर के निकट इस मस्जिद में जहां वजू खाना है, उस वजू खाने के ही बीच में एक कुआं है और ऐसा प्रमाण मिला है कि उस कुएं में 12 मीटर व्यास के एक शिवलिंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि वजू खाने में कुआं कहाँ से आया? कुआं तो मंदिरों में होता था और कुएं में ये शिवलिंग के आकार का शिव जी का स्वरूप कहाँ से आया? ऐसी आशंका की जाती है कि ये शिवलिंग अवश्य ही धर्म विरोधियों द्वारा तोड़ा गया था और इसी कुएं में डाल दिया गया था। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इस मामले में 14 मई से ही जांच के आदेश दे दिए थे। इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि वर्ष 1669 यानी 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी जिस जगह आज ये मस्जिद मौजूद है, वहां पहले कभी भगवान शिव का स्वयंभू शिवालय हुआ करता था जो मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया।
लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें और थोड़ी बारीक दृष्टि से देखें तो हर एक वस्तु, हर एक धर्म में भगवान शिव का ही वास है। सब तरफ बाहर और भीतर वे ही प्रकाशमान हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिख सब के सब एक ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे परमात्मा ही ब्रह्मा रूप से इन सब की उत्पत्ति करते हैं। वे हरि ही विष्णु रूप से इन सभी जीवों का पालन करते हैं और वे परम ब्रह्म ही भगवान शिव के रूप से सभी मनुष्यों, कीट पतंगे और जानवर, ब्रह्मांड के सभी छोटे बड़े प्राणियों का संहार करते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर झगड़ा कराना मूर्खता ही है। मनुष्यों में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि वे सृष्टि के एक क्रिएचर को समझ सकें, इतना वे जान सकें कि ये सृष्टि एक ही परमात्मा के द्वारा बनाई गई है और वो परमात्मा जिसने इतने सारे स्वरूप बनाए हैं, क्या वो अपने अलग अलग स्वरूप में नहीं आ सकते? वे परमात्मा जिन्होंने इतनी प्रकार की नदियाँ, इतने प्रकार के वृक्ष, इतने प्रकार के प्लेनेट्स बनाए हैं, क्या वे अनेक अवतारों में नहीं आ सकते? क्या कोई भी बाउंडेशन उनको रोक सकती है? इसका उत्तर है नहीं। वे ही युग युग में प्रकट होते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए। इसीलिए किसी भी धर्म को दूसरे धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये मानसिकता दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति कितनी छोटी और बालक बुद्धि का है। इसलिए मित्रों, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ा विचार करिए, आपके घर में कितने लोग हैं? पर माता पिता तो एक ही है ना? ठीक ऐसे ही हम सब के माता पिता एक भगवान ही हैं, लेकिन वही भगवान आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ब्रह्मऋषि श्री देवराह बाबा बताते हैं, बच्चा, वो ब्रह्म ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है, भक्ति की दृष्टि से वो ही भगवान हैं और योग की सूक्ष्म दृष्टि से वो ही विराट ईश्वर हैं। वस्तुतः वे सब एक हैं, लेकिन ये सभी स्वरूप अनुभूति मात्र हैं। इसीलिए श्री देवराह बाबा सभी प्राणियों को प्यारे आत्मा कहकर पुकारते थे, क्योंकि धर्म चाहे कोई सा हो, आत्मा तो सबकी एक है और इसी एकता से ये होता है कि सभी के सभी प्राणी एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना और मित्रों, इस वीडियो को अधिक शेयर करना ताकि ये ऐसे मंद बुद्धियों के काम आ सके जो धर्म के नाम पर झगड़ा कराते हैं। भगवान शिव का मंदिर तो बनकर ही रहेगा, क्योंकि शिव जी ही सृष्टि के आदि थे, वे ही वर्तमान में हैं और आगे भी वे ही रहेंगे। जय भोलेनाथ।